भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण से असंतुष्ट नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा देने की घोषणा। निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। हज पर जाने वाले यात्रियों को लगाए गए टीके। हज कमेटी व जिला प्रशासन के द्वारा बनाई गई समुचित व्यवस्थाएं। फादर्स डे के अवसर पर युवाओं ने जताया पिता के लिए अपना प्यार। ग्लोबल चैनल के माध्यम से बताई भावनाएं। और विकास के नाम पर चल रहे कार्यों से सड़क पर चलना हो रहा दूभर। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के काम से फिर सामने आई आमजन की शिकायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण से असंतुष्ट नेता, कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने आज संयुक्त रूप से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा करते हुए पार्टी द्वारा महापौर प्रत्याशी नहीं बदलने पर 48 वार्डों से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। आज भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, यह कार्यकर्ता अपने आप को आहत और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 17 करोड़ इसके सदस्य हैं, और हम जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें या छिंदवाड़ा जिले की बात करें, छिंदवाड़ा जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। लगभग 37% यहाँ की जनता है, 37% जनता आदिवासी है। और हम इस बात का वो कर रहे हैं कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद क्या भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है वो अपने को इसी तरह से ठगा हुआ महसूस करेगा। वो किस मन से, किस अपने विश्वास से भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने के लिए उत्सुक होगा। जहाँ तक हम इस बात को करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति का उद्धार करने की बात कर रही है, अंतिम व्यक्ति तक, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचने की बात कर रही है, तो यह किस तरीके का अन्याय हमारे जिला संगठन और जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, अपने जिनसे उनके हितों की पूर्ति होने वाली है, उनके उन प्रत्याशियों को उन्होंने विभिन्न वार्डों में खड़ा किया है, जिससे हमारे जो 48 वार्ड के जो पार्षद हैं और जो लगातार 20 सालों से जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है पार्टी को खड़ा करने के लिए, हमको इस बात की चिंता नहीं है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर सक्षम है और योग्य प्रत्याशी हो सकते थे, पर उनको नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन ने एक पैराशूट लैंडिंग कराई है। और इस तरीके का यह व्यवहार हम लोगों को लगता है, हमारे समस्त जो कार्यकर्ता हैं उनको यह, उनकी भावना इससे आहत हुई है। और इसी विषय को रखते हुए हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हम अपना सामूहिक इस्तीफा भी दे रहे हैं और आगे की जो भी कार्यवाही है
वो हम लोग संगठित रूप से एकजुटता के साथ में हम प्रदर्शित करेंगे। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल हम इस बात के लिए संकल्पित है कि हम लोग सारे लोग एक ही मन से, एक ही विचार से, जो हमारा जो निष्ठाएं हैं और उन विचारधाराओं की पूर्ति करने का हम प्रयास हम अपने अपने जो प्रत्याशी के रूप में, अभ्यर्थी के रूप में करेंगे। सामूहिक इस्तीफा का कारण यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो जिला संगठन है, वो जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की अवहेलना कर रहे हैं। जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो इतने वर्षों से अपनी मेहनत से इस पार्टी को सींचे हैं, उन कार्यकर्ताओं की अवहेलना हो रही है और पैरासूट से नेता उतारे जा रहे हैं। महापौर का जो पद है वो आदिवासी हुआ है हमारे यहाँ पे, तो आदिवासी क्या हमारे पास इतने सालों से हम भाजपा हमारी मजबूत हुई है क्या, इतने साल से हमारे पास एक कार्यकर्ता नहीं था आदिवासी जो हमको पैरासूट से नेता उतारना पड़ा। इसी बात से हम लोग नाराज होके और ये कदम उठा रहे हैं कि हमारे पास आदिवासी नेता थे, हमारे पार्टी में एक से बढ़ के एक नेता है। क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? बिल्कुल, हमने अपील समिति में हमने आवेदन किए कि हमारे महापौर जी और भी जिन वार्डों में जो गलत फैसला लिए गए हैं उन पर ध्यान दिया जाए, उन पर उचित न्याय किया जाए। हम कार्य जो 30 साल से लोग गए हैं अपना खून पसीना लगा के कि भाई हमारी ये पार्टी हमारी माँ है, तो ऐसी जो स्थिति बनी है अगर पार्टी उस पर ध्यान देती हमारे महापौर का प्रत्याशी चेंज करेगी तो ठीक है, नहीं तो हम सारे लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि उसे अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार हज मुबारक करने का मौका जरूर हासिल हो। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए हज यात्रियों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिले से हज पर जाने वालों को शनिवार को टीके लगाए गए और उन्हें बैग बांटे गए। जिला प्रशासन एवं हज कमेटी के समुचित प्रयासों से हाजियों के लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। कार्यक्रम में जिले भर से जाने वाले हाजियों के अलावा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष रिजवान कुरैशी, भाजपा नेता नौशादुद्दीन, वार्ड क्रमांक 30 की भाजपा प्रत्याशी रिजवाना नौशाद, मोहम्मद साबिर, वदूद माजब, शेरू भाई, मोहम्मद मोहसिन, मुस्तफा मंसूरी, मोहम्मद एजाज, बाबू भाई, शाहिद भाई आदि मौजूद थे। हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार उसको हज करने का मौका फराहम हो। हमारी खुशनसीबी है कि हमारे ज़िले से इस साल हज कमेटी की जानिब से 70 लोग हज मुकद्दस के सफ़र पर निकलने वाले हैं। आज इन तमाम हाजियों को हज कमेटी और ज़िला प्रशासन की जानिब से वैक्सीनेशन कराया गया और हज कमेटी और ज़िला प्रशासन की जानिब से आज तमाम हाजी उजाज को बैग यहां पर वितरित किए जाने हैं। सबसे अहम बात यह है कि पिछले 2 सालों से हज नहीं हो पा रहे, 2020 और 2021 में ये बदकिस्मती थी कि कोविड के चलते कोई भी शख्स में नहीं जा पाया था। 2 सालों के अंतराल में सऊदी गवर्नमेंट ने हज करने की इजाज़त दी है, इसलिए इस साल हज पर जाने वालों में खासा एक उत्साह और उमंग देखी जा रही है। आज हज कमेटी के तमाम मेंबरान और प्रशासन और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के संयुक्त प्रयासों से वैक्सीनेशन का काम पूरा हो गया है और वैक्सीनेशन के बाद सभी लोगों को यहाँ पर बैग वितरित किया जाएगा। फादर्स डे पिता को स्पेशल महसूस कराने का दिन होता है। बच्चे पिता के प्रति अपने आदर को तरह तरह के माध्यमों से दर्शाते हैं। फादर्स डे के अवसर पर ऐसे ही कुछ संवाद उन युवाओं के जो अपने पिता से कभी खुलकर नहीं बोल पाए, देखिए ग्लोबल नेटवर्क के माध्यम से। मुश्किल राहों में भी आसान सा सफ़र लगता है, ये कुछ और नहीं मेरे पिता की दुआओं का असर लगता है। हाय, दिस इज़ नंदिनी ससोदिया एंड दिस मैसेज इज़ फॉर माय फादर सूरज ठाकुर। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरे पापा के होते हुए मुझे किसी भी चीज़ की आज तक कमी नहीं हुई एंड दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी
फ्रॉम गॉड, थैंक यू। मैं इस मुकाम पर सिर्फ आपकी बदौलत पहुंच पाया हूं पापा। आप एक चीज नहीं बताते, वो मुझे बहुत बुरी लगती है कि जब आपको तकलीफ होती है तो आप कभी नहीं बताते, और जो बात मैं आपसे आज तक नहीं कह पाया वो आज कहना चाहता हूँ। आई लव यू सो मच। आप हैं तो संबल है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अफशान शेख मंसूरी, और फादर्स डे के ओकेशन पर मैं भी अपनी फीलिंग्स अपने फादर के लिए एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। तो शुरुआत कुछ इस तरह से करूँगी। मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है, मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है। शाम मीन्स इवनिंग फ्रेंड्स, इवनिंग। ओके, मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है, मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है, क्योंकि पापा तो खिलौने लाते हैं और शाम मेरे पापा को लाते हैं। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आपसे ही मेरी पहचान है पापा, क्या कहूँ, आप मेरे लिए क्या हो, रहने को है पैरों के नीचे ये जमीन पर, मेरे लिए तो मेरा आसमान आप हो। आपने ही मेरे सपनों को दिए उड़ान, मंजिल पर मैं पहुँच पाई। आई लव यू पापा, थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं श्वेता जायसवाल आप लोगों से इस फादर डे पर कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ मेरे पापा के लिए कि मेरे पापा मेरा मान सम्मान है, मेरे पापा मेरा गुरूर है, मेरे पापा मेरे लाइफ टाइम के हीरो हैं, मेरे पापा। लव यू पापा, हैप्पी फादर्स डे, थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रगति यादव, माय फादर नेम इज़ मिस्टर वीरराम यादव। इस फादर्स डे में मेरे सुपर हीरो के लिए कुछ स्पेशल शायरी बोलना चाहूँगी जो मेरी फेवरेट है। ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं मुझे, फिर भी मैं आदत डाल लूँगी। ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं मुझे, फिर भी मैं आदत डाल लूँगी। कुछ दिन और टेंशन ले लो पापा, जल्दी मैं सब संभाल लूँगी। पापा पापा और बेटियों में ये दोनों बातें समान होती हैं, दोनों को अपनी गुड़िया बहुत ही प्यारी होती है। हैप्पी फादर डे पापा, थैंक यू सो मच। इस दुनिया में लाने वाले, मेरी तकदीर बनाने वाले, मेरी हर ख्वाहिशों को पूरा करने वाले, मेरा हर पल खुशियों से भरने वाले, वह है मेरे प्यारे पापा। हैप्पी फादर्स डे, आई लव यू पापा। यू आर वेरी हैप्पी फादर्स डे पापा। कंधे पे बिठा के मेला घुमाते हैं पिता, घोड़ा बनकर सैर कराते हैं पिता। माँ अगर पैरों पे चलना सिखाती है तो पैरों पे खड़े रहना सिखाते हैं पिता। आप सभी को पितृदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिता जो जीवन भर संघर्ष की धूप में जलकर अपने बच्चों को खुशियों की छाव देता है वो पिता होता है। पिता वो होता है जो बुढ़ापे में भी अपने धैर्य को नहीं खोता, संयम बनाए रखता है, वो एक पिता होता है। पिता जीवन भर संघर्ष करके अपने बच्चों को खुशियाँ देता है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज पितृदिवस के अवसर पर मुझे कुछ लाइनें कहने को मिली। मेरे पिता आज मेरे साथ नहीं हैं, पर आज मैं जो भी हूँ मेरे पिता के सपनों के कारण ही हूँ। मेरे पिता चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर के जॉब करूँ, तो आज मैंने उनके सपनों को पूरा किया। मैं आज इस योग्य हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, और भी कोशिश करती हूँ मैं एग्ज़ाम दे कर के कि मैं जिस पद में हूँ उससे भी बड़े पद पर जॉब करूँ। और बस मैं अपने पापा तक यही मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि पापा आप जहाँ कहीं भी हैं मैंने आपके सपनों को पूरा किया है, और आपको मैं हमेशा याद करती हूँ। आई लव यू पापा। शहर में जारी विकास कार्य के नाम पर गड्ढे खोदने के काम के चलते आम जनों का मुख्य मार्ग पर चलना दूभर हो गया है। लगातार इसको लेकर शहर भर से कई भागों में शिकायतें दर्ज की गई हैं। ऐसा ही एक मामला गोलगंज क्षेत्र से भी निकल के आया है, जहां पर सीवर लाइन बिछाने के लिए किए गए गड्ढे में मिट्टी भर दी गई, जिसमें बरसात का पानी भर जाने से अब वाहनों में फंसने की शिकायतें मिल रही है। लापरवाही कर रही लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर निगम के अधिकारी आंख बंद कर सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में आगामी दिनों में किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ये इन लोगों ने चैम्बर बना के रखे काली मिट्टी में, सुन रही थे कोई, और गाड़ियाँ फंस गई तीन या चार, दो स्कूटर वाले भी गिर गए। ये किसने खोदा है गड्ढा? ये तो भाई ठेकेदार है, हम लोगों के सब बैठे हैं। ये देखो जेबीसी वाले बुलाए फोन कर। आपका नाम बताओ? सुरेश मेहता। आगामी चुनाव को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए जिला निर्वाचन द्वारा बसों के अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसी के अंतर्गत एडीएम कार्यालय में बस संचालकों की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम,
एडीएम, तहसीलदार उपस्थित रहे। बस संचालकों ने आरोप लगाया कि विगत दिवस भी संबंधित कार्य के लिए बसों का अधिग्रहण किया गया था, जिसकी अभी तक 20% राशि रुकी हुई है। बस मालिकों ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि प्रशासन राशि का भुगतान करते हुए आगामी समय में निर्वाचन क्षेत्र में जाने वाले वाहनों में डीजल की व्यवस्था भी करके दे। जिला पंचायत एवं नगरी चुनाव के लिए वाहन अधिग्रहण के आदेश निकले हैं, तो उसी पे बैठक आज थी एसडीएम और आरटीओ साहब से, तो जिसमें हमारी सबसे बड़ी मांग है कि हमें वाहन जिस ब्लॉक तक जाना है वो डीजल व्यवस्था की जाए और पुराना जो हमारा फंड रुका है वो मिला दिया जाए, और जो अन्य जिलों में जा रही हैं गाड़ियाँ नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में उनके भी हमें डीजल की व्यवस्था की जाए जाने की। पुराना हमारा काफ़ी पेमेंट रुका हुआ है 20%, विधानसभा लोकसभा पंचायत रैली बहुत सारे फंड रुके हैं, तो प्रशासन से यही निवेदन है कि हमें फंड की व्यवस्था की जाए। सिवनी मार्ग पर आज एक पिकअप वाहन रोड डिवाइडर से टकरा कर पलट गया, जिसमें ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छिंदवाड़ा से सिवनी की तरफ आ रहा एक पिकअप वाहन तेज रफ्तार होने के कारण अनियंत्रित हो गया, जिसके चलते वह सड़क किनारे बने डिवाइडर से टकरा गया और पलट गया। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को वाहन से बाहर निकाला और उसे 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर विभिन्न आयोजन किए गए, जिसमें सामाजिक संस्थाएं भी शामिल हुईं। इसी क्रम में सिकल सेल जागरूकता अभियान के तहत सिकल सेल सोसाइटी छिंदवाड़ा द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत छिंदवाड़ा हॉस्पिटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जे एम श्रीवास्तव एवं डॉक्टर मोहित राय सहित अन्य डॉक्टर उपस्थित रहे। दिवस के रूप में हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रामा यूनिट में बना रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले में पहली बार सिकल सेल दिवस बनाया जा रहा है। इसमें क्या बोलते हैं, सभी डॉक्टर्स वगैरह हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। मास्को जो है वो भी एनजीओ है, वो हम लोगों का सपोर्ट कर रही हैं। इसके बाद में श्री डॉक्टर जे एम श्रीवास्तव जी हमारे मुख्य अतिथि, वो हमको गाइड करते हैं हमेशा कि कैसे रहना है सिकल सेल पेशेंट को। और अगर वो बता रहे हैं कि अगर सिकल सेल बीमारी है भी तो किस तरीके से ट्रीट करना है सिकल सेल पेशेंट, मतलब नॉर्मल ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं। उसके बाद में अभी वो बता रहे हैं कि जैसे कि हम लोग जैसे अभी खुद सिकल सेल पेशेंट हैं, ऐश्वर्या, मैं, धर्मेंद्र भैया ये सिकल सेल पेशेंट हैं,
तो हम लोग इतने बड़े होने के बाद भी बहुत अच्छे से बहुत सरल तरीके से ज़िंदगी को जी रहे हैं। उसी तरीके से वो भी ये बताना चाह रहे हैं, डॉक्टर जेम्स श्रीवास्तव सर ये बता रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से बहुत सही तरीके से नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। और हर साल विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में हम 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाएंगे। जिले में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के सेंटर बने, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने उपस्थित होकर आज परीक्षा दी। अपनी आंखों में उज्जवल भविष्य का सपना संजोए युवाओं ने छिंदवाड़ा के कई सेंटरों में बैठकर राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पेपर हल किया। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में भी परीक्षा का सेंटर बनाया गया था, जिसमें युवाओं ने उपस्थित होकर परीक्षा का पेपर हल किया। आज परीक्षा केंद्र महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हुई है, जिसमें अभी प्रथम पाली में कुल 400 परीक्षार्थियों में से 278 परीक्षार्थी उपस्थित थे और 122 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। परीक्षा जो शासन का आयोग का जो नियम है उसके अनुसार संपन्न की गई है और परीक्षा पूर्णतः शांतिपूर्ण ढंग से की गई। हर शनिवार को अपनी प्रस्तुति देने वाले श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा सुकलुढाना में संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया गया। ग्रुप द्वारा रमेश स्वर्णकार वार्ड नंबर 18 कसारी मोहल्ला निवासी के निज निवास पर सुंदरकांड का महापाठ किया गया। इस अवसर पर नन्ही गायिका गन्नू उइके और मेघा ने अपनी प्रस्तुति देकर उपस्थित लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। समिति द्वारा लगातार अपनी प्रस्तुतियां हर शनिवार को दी जाती हैं। आगामी शनिवार को छोटी माता मंदिर के पास संगीतमय पाठ का आयोजन किया जाएगा। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालने आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण से असंतुष्ट नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा देने की घोषणा, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। हज पर जाने वाले यात्रियों को लगाए गए टीके, हज कमेटी व जिला प्रशासन के द्वारा बनाई गई समुचित व्यवस्थाएं। फादर्स डे के अवसर पर युवाओं ने जताया पिता के लिए अपना प्यार, ग्लोबल चैनल के माध्यम से बताई भावनाएं। और विकास के नाम पर चल रहे कार्यों से सड़क पर चलना हो रहा दूभर, लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के काम से फिर सामने आई आमजन की शिकायत। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।